साइबेरियन क्रेन्स कुछ इस तरीके की दिखती है, वही क्रेन की तरह। अपन ने बचपन में वो कहानी नहीं पढ़ी, वो हंस वाली, सुनी है कहानी? कि तुम लोग बहुत नए जमाने के हो गए, नहीं सुनी कहानी? हंस थी और एक और कौन था, कौवा था, कौन था, हाँ एक गिलहरी। कहानी सुनना बड़ी मजेदार है। हंस और गिलहरी ये दोनों जंगल में मिले, किसी वजह से दोनों की दोस्ती हुई। दोस्ती के बाद फिर आता है दावत वाला सिस्टम कि आप हमें बुलाइए, हम आपको बुलाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, जो गिलहरी होती है, गिलहरी चालाक होती है, सब नहीं मानते गिलहरी चालाक होती है, तो गिलहरी कहती है हंस तुम मेरे घर आओ दावत पे, मैं तुम्हें खीर खिलाऊं। ठीक है भाई। हंस आती है और फिर सामने दो प्लेटें रखी जाती है, प्लेटें समझते हो खाना खाते हैं इस पर, और दोनों प्लेटों में क्या होता है, खीर होती है। अब जो गिलहरी है वो अपना मुंह फाड़ के खूब सारी खीर खा जाती है, और हंस जिसकी चोंच होती है वो खीर को उठा ही नहीं पाती है, और बेचारी वो हंस क्या रह जाती है, भूखी। और इस पर जो गिलहरी है वो कोई भाव देती नहीं है, और फिर बाद में हंस का भी प्लेट खा जाती है, अरे तुम तो खा ही नहीं पा रहे। फिर आती है हंस को गुस्सा, फिर हंस कहता है कि गिलहरी आओ तुम मेरे घर भी, मैं भी तुम्हें दावत पे बुलाऊंगा। तो गिलहरी खुश हो जाती है कि मैंने तो इसको ऐसा किया, ये मुझे दावत पे बुला रहा है। तब जब दावत पे बुलाया जाता है तो अब हंस क्या करेगी, खीर को परोसेगी। तो इस बार हंस क्या करती है, हंस इस तरीके की एक सुराही देती है, और इसके अंदर क्या भरी हुई होती है, खीर भरी होती है। अब हंस की तो क्या थी, चोंच थी लंबी सी, तो हंस तो अपनी चोंच इसमें डाल के क्या चेक कर गई, खीर। जो गिलहरी है वो खीर नहीं खा पाई। अब इसकी मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है हमें भी नहीं पता, जितना याद आया हमने बता दिया। ठीक है, तो साइबेरियन क्रेन जो है कुछ इस तरीके से दिखती है। क्या कुछ मॉरल ऑफ द स्टोरी बताओगे, जैसी करनी वैसी भरनी है ना। चलो खैर, कर्मा इज अ बिच है ना, ऐसा कहा जाता है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो साइबेरियन क्रेन्स भरतपुर वेटलैंड्स की बात करें तो